नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी की बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साइंस क्लास 10, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चैप्टर 13, पार्ट 4, विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। इस वीडियो में इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, उसकी रचना क्या है, उसके कार्यविधि क्या है, इस पर चर्चा करूंगा। देखिए, विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब है विद्युत मोटर का सिद्धांत। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। यह बलयुग्म कुंडली को लगातार चुंबकीय क्षेत्र में घुमाता रहता है। यानी जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। यह बलयुग्म कुंडली को लगातार चुंबकीय क्षेत्र में घुमाता रहता है। तो यह है विद्युत मोटर का सिद्धांत। यानी जब किसी धारावाही कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करती हैं, वो एक चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करेगा जो उसको लगातार घुमाता रहता है चुंबकीय क्षेत्र में। अब है रचना, विद्युत मोटर की रचना। तो देखें, विद्युत मोटर की रचना। विद्युत मोटर के निम्न मुख्य भाग होते हैं। विद्युत मोटर के निम्न मुख्य भाग होते हैं। पहला है क्षेत्र चुंबक। यह एक शक्तिशाली अस्थायी चुंबक होता है जिसके ध्रुव खंड यन एवं यस है। यह क्या है? क्षेत्र चुंबक क्या है? एक शक्तिशाली अस्थायी चुंबक होता है जिसके ध्रुव खंड यन एवं यस है। आर्मेचर। आर्मेचर यह तांबे के तार के कई फेरों वाली एक कुंडली ABCD होती है जो कि चुंबक के ध्रुव खंडों यन एवं यस के बीच घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। कुंडली नरम लोहे के क्रोड पर लपेटी जाती है। आर्मेचर क्या होती है? तांबे के तार के कई फेरों वाली एक कुंडली ABCD होती है जो कि चुंबक के ध्रुव खंडों यन एवं यस के बीच घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। कुंडली नरम लोहे के क्रोड पर लपेटी जाती है। अब है तीसरा, विभक्त वलय। विभक्त वलय, तो देखिए विभक्त वलय क्या होता है। यह दो अर्धवृत्ताकार खंडों में विभक्त एक छल्ला रिंग होता है। विभक्त वलय यह तथा ब्रश, यह दो अर्धवृत्ताकार खंडों में विभक्त एक छल्ला रिंग होता है। ये दोनों भाग एक दूसरे से पृथक्कृत होते हैं, यानी अलग-अलग होते हैं। ये दोनों भाग एक दूसरे से पृथक्कृत माने अलग-अलग होते हैं। कुंडली का एक सिरा वलय के एक भाग से तथा दूसरा सिरा दूसरे भाग से जुड़ा होता है। यानी कुंडली का एक सिरा वलय के यानी रिंग के एक भाग से तथा दूसरा सिरा दूसरे भाग से जुड़ा होता है। इन भागों को पृथक पृथक दो कार्बन के ब्रश स्पर्श करते हैं। इन भागों को पृथक पृथक अलग अलग दो कार्बन के ब्रश स्पर्श करते हैं। इन ब्रशों का संबंध एक बैटरी से होता है। इन ब्रशों का संबंध एक बैटरी से होता है। एक ब्रश से धारा कुंडली में प्रवेश करती है तथा दूसरे ब्रश से बाहर निकलती है। यानी इन ब्रशों का संबंध एक बैटरी से होता है जहाँ से विद्युत धारा की सप्लाई होती है। एक ब्रश से धारा कुंडली में प्रवेश करती है तथा दूसरे ब्रश से बाहर निकलती है।
अब चित्र में देखिए, यह है चित्र के माध्यम से समझे, यह है फिगर उसका विद्युत मोटर का। तो पहले क्षेत्र चुंबक, यह है शक्तिशाली अस्थायी चुंबक जिसके ध्रुव खंड यन और यस ये एक दूसरे से नाल चुंबक की तरह होते हैं, ऐसे अलग अलग नहीं होते, अलग अलग चुंबक का कोई अस्तित्व नहीं होता। ये एक ऐसे देखिए खंड, ये एक दूसरे से ऐसे होते हैं, तो ये हुआ अस्थायी चुंबक, शक्तिशाली अस्थायी चुंबक। आर्मेचर, ये है तांबे के तारों की लोहे के क्रोट पर लपेटी हुई कई फेरों वाली कुंडली है, यहाँ पर सिंपल रूप से दिखाया गया है। और ये है विभक्त बल है, एक यह विभक्त बल है, एक दूसरा ये है, यहाँ पर ब्रूस है, ये ब्रूस है और दूसरा ब्रूस यहाँ है। और यह है बैटरी जिससे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ये बैटरी है जिससे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ये धुरी है, ये क्या है धुरी है। और बैटरी का धन सिरा एक ब्रूस से और ऋण सिरा दूसरे ब्रूस से जुड़ा रहता है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। कार्य विधि, जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली की भुजा ए बी पर एक बल नीचे की ओर तथा भुजा सी डी पर एक बल ऊपर की ओर कार्य करने लगता है। इन दोनों बलों से बने बल युग्म के कारण कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। यानी जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली की भुजा ए बी पर एक बल नीचे की ओर तथा भुजा सी डी पर एक बल ऊपर की ओर कार्य करने लगता है। इन दोनों बलों से बने बल युग्म के कारण कुंडली एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। देखिए चित्र से, ये है कुंडली, अभी कुंडली है, जब इसमें बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इस भुजा पर यानी ए बी भुजा पर नीचे की ओर बल कार्य करता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, और इस भुजा पर क्या होता है, इस भुजा पर ऊपर की ओर कार्य करता है, तो ये नीचे की ओर ये ऊपर, तो इसको घुमाना एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू कर देता है। ये क्या करता है, ये कुंडली इस धुरी पर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमने लगती है। और कुंडली के साथ उसके सिरे पर लगे विभक्त बलय के भाग भी घूमने लगते हैं, कुंडली के साथ उसके सिरे पर लगे विभक्त बलय के भाग भी घूमते हैं, परंतु बैटरी का धन ध्रुव सदैव बाएं ब्रूस से कुंडली से जुड़ा रहता है तथा ऋण ध्रुव दाएं ब्रूस से कुंडली से जुड़ा रहता है, इसलिए कुंडली उसी दिशा में घूमती रहती है। इस कारण कुंडली क्या करती है, एक ही दिशा में घूमती रहती है। अब विद्युत मोटर का उपयोग, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, इसके द्वारा बिजली के पंखे, आटा पीसने की चक्की तथा नलकूप इत्यादि चलाने में किया जाता है। नमस्कार।